हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन कैलकुलेट द वेव नंबर और फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है सो वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज बाल्मर सीरीज तो बाल्मर सीरीज जो है ये एक सेट है स्पेक्ट्रल लाइंस का जो कि एमिट होती है दैट आर एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती है मतलब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस होती हैं फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल जहां पर एन की वैल्यू ज्यादा होती है टू से टू द सेकेंड लेवल यानी के एन की वैल्यू होती है टू यानी के हायर एनर्जी लेवल से जब सेकेंड लेवल तक एनर्जी ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होती हैं उसको हम वो सीरीज को बाल्मर सीरीज बोला जाता है तो यहां पर जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बाल्मर सीरीज में दैट इज यूजिंग द रिडबर्ग फॉर्मूला आर एच मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय टू रेस टू पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाय एन रेस टू पावर टू सो यहां पर जो आर एच है दैट इज कॉल्ड एज रिडब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट जीरो नाइन सेवन मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू पावर सेवन पर मीटर और यहां पर जो n है वो क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि एनर्जी लेवल एनर्जी शेल्स के बारे में बताता है तो यहां पर जो वेव नंबर है दैट इज म्यू बार दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो अब हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन पता करनी पड़ेगी तो अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे यहां पर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है इन द बाल्मर सीरीज ट करेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन जहां पर जो एन की वैल्यू है इज इनफाइनाइटली लार्ज मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से लेवल से कौन से लेवल तक जाएगी दैट इज एन इन इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू एन इज इक्वल टू टू तो फॉर दिस ट्रांजिशन द रिडबर्ग फॉर्म फॉर्मूला सिंप्लीफाइज टू तो हम यहां पर लिखेंगे वन डिवाइडेड बाय लेमडा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दैट विल बी इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय टू रेस टू पावर टू माइनस वन डिवाइडेड बाय इनफिनिटी रेस टू पावर टू तो अब हम ये कह सकते हैं कि सिंस वन डिवाइडेड बाय इंफिनिटी रेज टू टू पावर दैट विल बी इक्वल बाई इन्फिनी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या रह जाएगी वन डिवाइडेड बाय लेमडा शॉर्टेस्ट विल बी इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय फोर तो यहां पर हमें वेव नंबर कैलकुलेट करना है शॉर्टेस्ट सो दैट विल बी इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय लेमडा शॉर्टेस्ट इसका मतलब है दैट विल बी इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय वन डिवाइडेड बाय फोर तो यहां पर हम इसका जो है वैल्यू सबकी पुट कर देंगे तो वेव नंबर शॉर्टेस्ट विल बी इक्वल टू 1.097 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई टेन रेज टू पावर 7 पर मीटर मल्टीप्लाइड बाय जो है इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.7425 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय टेन रेज टू पावर 6 पर मीटर यानी यहाँ पर जो वैल्यू है वेव नंबर शॉर्टेस्ट की दैट विल बी इक्वल टू 2.7425 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 6 पर मीटर सो दिस इज द फाइनल आंसर I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.